और वो है आलू कैप्सिकम की सब्जी, या आप कह सकते हैं आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए देख लेते हैं आलू और शिमला मिर्च के साथ साथ और क्या क्या चाहिए इसे सब्जी को बनाने। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही रेसिपी वीडियोस। इंग्रेडिएंट्स हमने देख लिया है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू कैप्सिकम। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून व्हाइट ऑयल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा हल्का फ्राई हो जाने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे कटे हुए आलू। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज का आलू लिया। 4 से 5 मिनट तक आलू को तेल में फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 कटे हुए प्याज। मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है। प्याज और आलू को 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसको ढककर लो फ्लेम में 5 मिनट तक पकाएंगे। आलू और प्याज हल्का सा फ्राई हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तेल में इसको 30 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हींग। फिर इसमें धीरे धीरे सभी मसालों को ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज्यादा हम इसमें मिलाएंगे। अब सारे मसालों को आलू और प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। 30 सेकंड तक इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 कटे हुए टमाटर। टमाटर भी मैंने मीडियम साइज का लिया है। टमाटर को सब्जी के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर उसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। नमक को मसाला और सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और फिर 10 मिनट तक लो फ्लेम में कवर करके पकाएंगे। टमाटर नरम हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे कटे हुए धनिया के पत्ते को। इसको मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कटे हुए कैप्सिकम। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज का 2 कैप्सिकम लिया। कैप्सिकम को सब्जी और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी टाइम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मसालों को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट तक लो फ्लेम में कवर करके पकाएंगे। ये सब्जी बनाते वक्त हम कोई बाहर से एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये सब्जी को हम थोड़ा थोड़ा करके लो फ्लेम में ढक के पकाएंगे ताकि सब्जियां जो पानी छोड़ रही है उसी में ये सब्जी और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए और अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाए। हमारा आलू कैप्सिकम की सब्जी तैयार है परोसने। ये रेसिपी आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।